गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर टी शेखरन परचेज 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इन वी लिमिटेड एट द रेट ऑफ रुपीज 120 ईच फ्रॉम अ ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। ही इनकर्ड 50 पैसे पर रुपीज 100 एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर स्टड। On 31st January 2012, bonus was declared in the ratio of 1:2. Before and after the record date, the share were quoted at the rate of rupees 175 and 90. On 31st March 2012, Mr. T. Shekharan sold bonus share. ध्यान दीजिए, sold bonus share. यहाँ लिखा नहीं है कि किस प्राइस पे बेचे हैं। तो ये जो quoted प्राइस है ना, इसको आपने ध्यान देना है कि उस टाइम पर आफ्टर बोनस शेयर की वैल्यू 90 रुपये पे थी। तो ये बेचे भी हैं ना, तो 90 रुपये पे बेचे। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ टी शेखरन, ठीक है, हु हेल्ड द शेयर एज करंट एसेट्स एंड क्लोजिंग वैल्यू शैल बी मेड एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो टी शेखरन की बुक्स हैं और इक्विटी शेयर हैं हमारे बी लिमिटेड के। टी शेखरन्स की तो बुक हो गई और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वह इक्विटी शेयर्स ऑफ वी लिमिटेड। नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स डिविडेंड अमाउंट, तीन कॉलम। चलिए देखते हैं। 1 अप्रैल 2011 को परचेज किए हैं इन्होंने, ठीक है। सो 1 अप्रैल 2011 टू बैंक करके हमने परचेज किए हैं। कितने शेयर परचेज किए हैं? 5000 शेयर। इनकी वैल्यू निकाल लें। 1 अप्रैल 2011 को जो हमने परचेज किए हैं वो हमने परचेज किए 5000 शेयर एट द रेट ऑफ कितना? ये एट द रेट ऑफ 120। ओके, ये हो गया 6 लाख रुपया। फिर इसमें उसने 2% हमसे ब्रोकरेज भी ले ली, तो ये हो गया 6,12,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2011 को। अब आगे देखें, नहीं अभी और भी है ना, 100 रुपये इन्होंने ट्रांसफर फीस भी ली है। सो प्लस स्टैंप की जो फीस है 6 लाख पे हर 100 रुपये पे 50 पैसे यानी कि 3000 रुपये बनते होंगे। तो ये जो टोटल कॉस्ट आई वो 6,15,000 आई। तो ये 6,12,000 ना होके 6,15,000 हो जाए, ठीक है। 31 जनवरी को इन्हें बोनस शेयर मिले हैं 1:2 के रेशो में। तो 31 जनवरी 2012 को बोनस शेयर आया 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब है हर एक शेयर, दो शेयर पर एक शेयर मिल जाएगा, ठीक है। आगे 31 मार्च को बोनस शेयर भेज दिए हैं, तो 31 मार्च को इन्होंने बेच दिए हैं बोनस शेयर।
अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2012, सेल किए हैं 2500 शेयर्स एट द रेट ऑफ, प्राइस नहीं दिए 90 रुपीज, तो ये 2,25,000 हो जाएगा। और इसमें परचेज करते वक्त ब्रोकरेज प्लस करते हैं, सेल करते वक्त ब्रोकरेज माइनस करते हैं, 2% ब्रोकरेज हमारी माइनस होगी, तो ये 2,20,500 ये हमारा परचेज हो गई, सेल हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 31 मार्च को हमारे जो क्लोजिंग बैलेंस हैं 5,000 शेयर, इनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए एक हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं, ये नंबर्स है और ये अमाउंट्स है। 5,000 शेयर की जो कॉस्ट है वो 6,15,000 है। इसके बाद 2,500 शेयर हमको बोनस में आए तो 7,500 शेयर की कॉस्ट 6,15,000 हो गई। बेचे हमने 2,500 शेयर हैं, तो 5,000 शेयर अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो ये 2,05,000 आएगा और ये 4,10,000 आएगा, ये कॉस्ट आएगी। मार्केट वैल्यू 5,000 शेयर की 4,50,000 आएगी, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर से हमारा ये 4,10,000 की क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। इसके बाद हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, किस पर, सेल पर। हमने बेचा 2,20,500 में, उसकी कॉस्ट थी 2,05,000, इसका मतलब है हमें 15,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो 15,500 ये हमारा 31 मार्च को P&L में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, 7,500, 6,20,500, 6,20,500, सॉरी 30,500 और 7,500। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया, वर्किंग आपको सारी समझ में आई होगी। थैंक यू।